दोस्तों, jivik.com के इस तीसरे वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आनंद हर्ष आपका स्वागत करता हूं। पिछले दो वीडियोस में हमने ये जाना कि किस प्रकार से हम अपना वेब पेज बना सकते हैं, और अंतिम सेकंड वीडियो में हमने ये जाना था किस प्रकार से हम जो है पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं HTML में, किस प्रकार से पैराग्राफ के अंदर लिखे गए टेक्स्ट में किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को हम जो है स्ट्रॉन्ग HTML टैग लगाकर जो है उसे बोल्ड कर सकते हैं, किस प्रकार हम किसी सर्टेन कैरेक्टर को एम्फसाइज कर सकते हैं EM टैग के द्वारा, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि हमने दिस इज इट में से जो है यूज़ किया था, दिस के लिए हमने स्ट्रॉन्ग यूज़ किया था, इस के लिए हमने एम्फसाइज यूज़ किया था। कोडिंग आप देख सकते हैं, ओपन विथ एडोब प्रीमियर CS3, मेरे पास ये है जो है ड्रीमवीवर CS3 है, जिसके अंदर मैं स्पीच को जो है एडिट कर सकता हूँ। आज हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से हम लिस्टिंग को शो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हम वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड हो या वो चाहे किसी बिजनेस से रिलेटेड हो, उसमें प्रोडक्ट्स या कुछ भी चीज़ों की कैटेगरी को शो करना बहुत ही अहम चीज़ है, और लिस्टिंग को दिखाना एक बहुत अच्छी चीज़ है। जिस प्रकार से जैसे कि सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स के अंदर सब सब्जेक्ट्स हैं, या टीचर्स हैं, या डिपार्टमेंट्स हैं, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, या प्रोडक्ट्स में जैसे कि मान लीजिए सीलिंग फैंस हैं, तो उनमें किस तरह की कैटेगरी हैं, तो इस तरह से हर चीज़ में जो है लिस्टिंग का एक बहुत अहम रोल होता है। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम लिस्ट को बना सकते हैं। सिंपल सा पहला सा तरीका है कि आप लिखें दिस इज लिस्ट एंड प्रोडक्ट दे दें, जैसे कि प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू एंड प्रोडक्ट थ्री। तो मैं समझता हूँ कि इससे लिस्ट शो होगी। देखते हैं क्या होता है। इसे आप सेव कर सकते हैं कंट्रोल एस से, या फाइल मेन्यू में जाकर भी सेव कर सकते हैं, और वेब पेज पर देखें, यहाँ पर रेफ्रेश करें F5 से, तो आप देखेंगे कि दिस इज लिस्ट हमने लिखा था अलग लाइन में, प्रोडक्ट वन अलग, प्रोडक्ट टू और प्रोडक्ट थ्री अलग अलग लाइन में लिखा था। चूँकि दोस्तों हम पहले भी ये मैं डिस्कस कर चुके हैं कि जो कुछ भी HTML को ब्राउजर को प्रोवाइड करवाया जाता है, वो उसे एक टेक्स्ट की तरह ही कंसीडर करता है। तो ब्राउजर को हमें ये बताना होता है कि किस प्रकार से ये जो है वेब पेज में दिखेगा, ब्राउजर में किस प्रकार से टेक्स्ट दिखेगा, कहाँ पर ये आएगा। तो हमें डायरेक्ट करने के लिए HTML टैग का इस्तेमाल हम करते हैं। तो चूंकि हमने दिस इज लिस्ट प्रोडक्ट वन टू और थ्री ये बताया नहीं है ब्राउजर को कि कैसे आएगा, तो इसलिए जो है इसने सिंपल एक टेक्स्ट लाइन इसे समझ लिया और ब्राउजर ने इसे एक ही लाइन में दर्शा दिया। अब चूंकि हमें इसे अलग अलग लाइन में दिखाना है, तो हम इसे इस प्रकार भी कर सकते हैं। एक BR टैग आता है, BR लाइन ब्रेक के लिए होता है ये टैग। तो अगर हम इसे कंट्रोल एस करके ब्राउजर में जाएं और कंट्रोल और F5 करें, तो आप देखेंगे जहां हमने BR टैग का इस्तेमाल किया है दिस इज लिस्ट के बाद में, तो वहां पर एक लाइन ब्रेक हो गया है और बाकी सारा वैसा के वैसा आया। आप चाहें तो यहां अलग अलग प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट टू के बाद में भी BR टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और रेफरेंस करेंगे वेब ब्राउजर में जाकर तो देखेंगे कि ये लिस्ट आपकी बन चुकी है। जहां पर आपको दो लाइन ब्रेक चाहिए, वहां पे आप दो BR टैग का इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि यहां पर आप मन चाहे लिस्ट आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। दोस्तों ये तो हुई ओल्ड फैशन की बात, चूंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हम जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करेंगे HTML को लेकर, CSS को लेकर, तो ये ओल्ड फैशन बात होगी। अगर आपको नहीं मिले कोई तरीका तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको जो है अलग तरीका यूज़ करना पड़ेगा। एक तरीका है ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसके लिए टैग है OL।
ओएल टैग का इस्तेमाल ओएल स्टार्ट टैग और ओएल एंड टैग के बीच में होता है, और इसके अंदर जितने आइटम्स, लिस्ट ऑफ आइटम्स आप दिखाना चाहें, उन्हें एल आई टैग के स्टार्ट टैग और एल आई टैग के एंड टैग में आपको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट वन और प्रोडक्ट टू और कॉपी करके पेस्ट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट थ्री डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका जो है ओएल टैग जो है, ओएल स्टैंड्स फॉर ऑर्डर लिस्ट, तो ओएल टैग के अंदर जो है आप अपनी लिस्ट को शो कर सकते हैं। लेकिन इसका आउटपुट कैसा है तो देखते हैं, इसको ब्राउजर में चला के F5 करेंगे तो ये देखेंगे आपके भी प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू और प्रोडक्ट थ्री जो हमने डिस्क्राइब किया था वो वैसा का वैसा है, लेकिन वो एक लिस्टिंग में आ रहा है और लिस्ट में भी जो है ऑर्डर्ड लिस्ट है। आप देखेंगे कि नंबर्स दिए हुए उसमें 1, 2 और 3। अगर आप इन्हें नंबर्स लिस्ट आइटम्स को अगर आप बढ़ा दें, जैसे कि मैंने एक प्रोडक्ट फोर लिया है, तो ये जो है आपका F5 करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये नंबर्स में जो है 4 जुड़ जाएगा। ये इंक्रीमेंटल जो है नंबरिंग इसमें देता जाएगा। इस प्रकार से आप इसे ऑर्डर्ड लिस्ट में दिखा सकते हैं। आप देखेंगे कि एक सर्टेन स्पेस जो है ब्राउजर में ये ऑटोमेटिकली ही आके लिस्ट को शो कर रहा है। तो आप ऑर्डर्ड लिस्ट को चाहें तो इस प्रकार से अपने प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं। आप चाहते हैं कि ऑर्डर लिस्ट मेरी नहीं आए, इसमें किसी भी प्रकार के नंबर्स वगैरह नहीं आए, तो आप इसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट भी दिखा सकते हैं। उसमें आपको करना सिर्फ इतना है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आपको यूएल टैग का इस्तेमाल करना है और यूएल को एंड टैग में भी लिखना है। तो बाकी फॉर्मेट वही रहेगा, एल आई का स्टार्ट टैग आएगा, एल आई का एंड टैग आएगा और वही रहेंगे। तो अब आप जाकर ब्राउजर में जब रेफ्रेश करते हैं F5 से, तो आप देखेंगे कि बुलेट्स जो हैं उन्होंने नंबर्स का जो है स्थान ग्रहण कर लिया है। अब आपकी जो लिस्ट है वो बुलेट्स से शुरू होकर दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से आप अनऑर्डर्ड लिस्ट का भी इस्तेमाल करके अपनी लिस्टिंग दिखा सकते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो तरीका है वो है डिटेल्ड लिस्ट का, जिसमें आप चाहें तो डिटेल्ड लिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिटेल्ड लिस्ट के लिए आप जो है वो DL टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, DL टैग और DL का एंड टैग। इसके दरमियान जो है LI टैग का इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें जो सब जो टैग हैं इसके लिए वो हैं DT और DD टैग। DT का मीनिंग है डिटेल टर्म एंड डिटेल टर्म। एक मिनट दोस्तों, मैं कुछ हो सकता है भूल सा गया हूँ। डिटेल लिस्ट है, इसमें डेफिनेशन टर्म है, इट स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन टर्म, जिसमें आप बताएंगे कि भाई किस प्रकार की लिस्ट है। तो आप बता सकेंगे कि लिस्ट ऑफ आइटम्स और डेफिनेशन डिटेल में आप बताएंगे कि उसमें आइटम्स किस तरह के हैं, जैसे कि प्रोडक्ट वन, और आप चाहें तो इसे कॉपी कर सकते हैं। और इस प्रकार से प्रोडक्ट टू और प्रोडक्ट थ्री इसमें आप दे सकते हैं। ये किस तरह से शो होगा ब्राउजर में देखेंगे, F5 करेंगे तो लिस्ट ऑफ आइटम्स, मतलब वो आइटम्स किस तरह के हैं। आप यहाँ पर लिस्ट का टर्म बताएंगे, डेफिनेशन टर्म देंगे कि भी किस तरह की लिस्ट है, स्टूडेंट्स की लिस्ट है या टीचर्स की लिस्ट है या सब्जेक्ट्स की लिस्ट है या किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट की टाइप की लिस्ट है। तो ये लिस्ट ऑफ टर्म आएगी, डेफिनेशन टर्म आएगी DT में, और DD के अंदर डेफिनेशन डिटेल आएगी जिसमें उन लिस्ट आइटम्स का नाम होगा। आप चाहें तो एक
जो डेफिनेशन लिस्ट है उसमें कई सारी डेफिनेशन टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे कॉपी पेस्ट कर लें। और चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे कि मोहित, सपोज मोहित, एंड यहाँ पे आप दे सकते हैं सुरेश, एंड लाइक तीसरा आप कुछ भी दे सकते हैं, विक्रम। तो इस तरह से सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाकर F5 करेंगे तो आप पाएंगे कि आपने बाइफरकेट किया है अलग अलग लिस्ट आइटम्स को और उनकी लिस्ट्स को। तो जहाँ पर आपका DT यानी डेफिनेशन टर्म ख़त्म हो रहा है, जस्ट उसके बाद से आपका प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 शुरू हो रहा है। मोहित, सुरेश, विक्रम आपका वहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये डेफिनेशन टर्म ये कहलाएगी आपकी, और डेफिनेशन डिटेल आपके वो आइटम्स कहलाएंगे, लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से आप जो है ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डिटेल्ड लिस्ट को शो कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।